हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही गुड न्यूज़ की, जो आप सभी के लिए है। यदि आपने पीएचडी या नेट को पास कर रखा है, यानी कि आपके पास नेट और पीएचडी की अगर डिग्री है और नेट के सर्टिफिकेट, तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और आप यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। और प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ है। इसमें पदों के विवरण की बात कर लें तो ये आपका 10 पद हो गया प्रोफेसर का, एसोसिएट का 11 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 32 पद है। यहाँ पे देखिए वेतनमान देख सकते हैं आप, प्रोफेसर का वेतनमान लेवल 14 यानी 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक है। एसोसिएट का 1,31,000 से स्टार्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 57,700 से लेके 1,82,400 रुपये तक यहाँ पे वेतन है। ये सातवें वेतन आयोग से है। अब देखिए क्या किस यूनिवर्सिटी की है ये, ये आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का है और ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रम 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय। और इसका बहुत ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप ये उसकी वेबसाइट है, इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, अब वेबसाइट लॉगिन करने के बाद वहाँ पे जाके आप न्यूज पोर्टल में देखिए, वहाँ पे आवेदन का लिंक भी दिया है, उसके जस्ट ऊपर आपको विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी को दिया है, किस जो पेपर में या किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है इसको भी वहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि ये आपका शुरुआत कब से इसका हुआ है, यानी ये 30 जुलाई को विज्ञापन आया था, ये पूरा 30 जुलाई को विज्ञापन आया था और उसी दिन से माना गया। और ये आपका लास्ट डेट जो है 8 सितंबर है, ध्यान रखिएगा इसको, लास्ट डेट कब है 8 सितंबर है। ये इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे एक बात और क्लियर कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ये देखिए 200 पॉइंट रोस्टर पे है पूरा वैकेंसी, ठीक 200 पॉइंट रोस्टर पे है, 13 पे नहीं है। ठीक, तो 200 पॉइंट रोस्टर पे है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एससी के लिए जो प्रोफेसर्स की वैकेंसी है उसमें देखिए, यहाँ पे आपका जो प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें एससी की एक सीट है, टोटल 10 सीटें हैं। एससी की एक है, एसटी की एक है, ओबीसी 3 है और अनरिजर्व्ड सीटें 5 हैं। एसोसिएट में एससी 2 है, एसटी 1 है, ओबीसी आपका यहाँ पे 2 है, ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस अगर देखेंगे तो ये भी यहाँ पे है, एक सीट जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर में है और अनरिजर्व 5 सीटें हैं। एससी के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी 9 सीटें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर 9 सीटें हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 3 सीटें हैं और अनरिजर्व 12 सीटें हैं। तो ये पूरा जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का है और ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप वेतनमान भी देख सकते हैं, बहुत आकर्षक वेतन है, बहुत ही अच्छा वेतन यहाँ पे है। ठीक, इसी तरह के जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको न्यूज़ रहेगी जल्दी अपडेट कर दी जाएगी। और जल्दी आपको एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ बताने वाले हैं, वो 2000 पीएचडी की सीटें आने वाली हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में आई हैं, तो सभी को कंबाइन करके एक ही वीडियो में आपको हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, किस किस सब्जेक्ट में हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो उसके लिए आप यहाँ का जो वेबसाइट है ये hindiviswa.org, ध्यान रखिएगा www गूगल करिएगा हिंदी विश्व, या गूगल कर दीजिए महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी। तो जब आप गूगल करेंगे, गूगल करने के बाद जो पहला खुलेगा उसको आप क्लिक करेंगे, ऑफिशियल खुल जाएगा। ऑफिशियल में जस्ट नीचे देखेंगे, ऊपर कुलपति की फ़ोटो वगैरह लगी रहेंगी, उसके जस्ट नीचे आपका यहाँ पे न्यूज चलेगा।
ठीक, न्यूज़ वाले में देखिएगा, यहाँ पे आप लगातार नज़र बनाए रखिएगा। तो लगभग पाँचवें छठवें के बाद आपका दिया है कि शैक्षणिक विज्ञप्ति के संदर्भ में, ठीक, उसको आप वहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।